फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं बीबी के मकबरे में और आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा ऐसा बात बताने वाले हैं जो शायद आपको पता नहीं होगा या कहीं आप पढ़े नहीं होंगे बीबी के मकबरे के बारे में। सो बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बीबी का मकबरा औरंगाबाद के बेगमपुरा में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप बस से आते हैं औरंगाबाद तो बस स्टैंड से बीबी का मकबरा लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर ऑटो या टैक्सी के फेयर की बात करें तो औरंगाबाद स्टेशन से बीबी के मकबरा तक का फेयर आपको लगभग 80 से 120 रुपए के आसपास पड़ेगा और वहीं बात करें बस स्टैंड से, औरंगाबाद बस स्टैंड से आपको बीबी के मकबरे तक का फेयर 50 से लेकर के 80 रुपये तक पड़ सकता है। इस मकबरे के अंदर जाने के लिए आपको एक 25 रुपये का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टिकट काउंटर से 25 रुपये का एक टिकट लेना पड़ता है। और अंदर आते ही फाउंटेन, बागीचा और इस मकबरे का विशाल स्ट्रक्चर देख करके काफ़ी अच्छा फील होता है। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये बीवी का मकबरा, जिसे और भी नाम से जाना जाता है, जैसे टॉम्ब ऑफ लेडी, उसके बाद डेक्कन का ताज। इसको औरंगजेब ने 1660 में अपने बीवी के याद, दिलरस बेगम के याद में बनवाया था और ये काफ़ी हद तक ताजमहल की तरह दिखता है जो औरंगजेब की माँ मुमताज के याद में बनवाया गया था। और ताजमहल और इसमें काफ़ी हद तक आप देख रहे होंगे कि सिमिलैरिटी है। बीच में वैसे ही एक पैसेज है मेन बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए, फिर साइड में वैसे ही चार मीनार है, वैसा ही लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर है सेम। और वाइट कलर का मार्बल यूज किया गया है इसमें। दिलरस बानो बेगम जो मुगल शासक औरंगजेब की पत्नी थी और जिनके नाम पे यह मकबरा बनवाया गया था, वो एक ईरान की जो एक फारसी राजकुमारी थी और जिनका जन्म सफ़ेद राजवंश में तहनवाज खान के यहाँ हुआ था, जो गुजरात के वायसराय थे। ये जो सीढ़ी आप लोग देख रहे हैं, ये सीढ़ी दिलरस बानो बेगम के कब्र की ओर जाने का रास्ता है। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं दिलरस बानो बेगम के कब्र के पास, जिसको काफ़ी खूबसूरती से संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। तो ये जो काला काला धब्बा दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये लोग को लगता होगा कि ये पूरा संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, लेकिन ये पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ अंदर के मंजिल में किया गया है और ऊपर के गुंबद में किया गया है, लेकिन बाहर में जो जितना जगह काला काला पड़ा हुआ है ये सब प्लास्टर किया हुआ, क्योंकि बजट उस समय बहुत कम था औरंगजेब का, 7 लाख ही था बजट उनका, और पत्थर का भी शॉर्टेज हो गया था, संगमरमर पत्थर का भी शॉर्टेज हो गया था, जिसके कारण बाहर में प्लास्टर से ही काम चलाना पड़ा था उस समय। लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्ट्रक्चर बहुत सही तरीके से बनाया गया है, तभी 400 साल तक अभी तक रुका हुआ है, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। और इसका कंपैरिजन ताजमहल से नहीं किया जा सकता है क्योंकि ताजमहल का उस समय का बनवाने का खर्चा लगभग 2 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा ही आया था, लेकिन इसके में पत्थर का शॉर्टेज हो गया था, फिर इसका बजट कम था, फिर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है।
और ये जो वाइट संगमरमर देख रहे हैं इसको, ये जो मकबरा है इसको पूरा वाइट संगमरमर से बनवाया गया है, जिसको राजस्थान के जयपुर से लगभग 300 बैल गाड़ियों द्वारा खींच करके मंगवाया गया था, जिसमें एक गाड़ी को लगभग 12 बैल मिल करके खींच रहा था, लगभग 300 टन के करीब, उससे भी ज़्यादा संगमरमर यहाँ लाया गया, जिससे इस बीवी के मकबरे का निर्माण किया गया। बीवी के मकबरे को बनवाने में औरंगजेब का 7 लाख रुपया के करीब लग गया था, और इसका निर्माण 1668 से 1669 ईस्वी में करवाया गया था। और इसके जो प्रमुख जो कारीगर थे, डिजाइनर, उसका नाम अताउल्ला था, जो ताजमहल बनाने वाले का बेटा था। और एक और डिजाइनर थे, उनका नाम क्या था, अहमद लाहौरी, जिनके पुत्र अताउल्ला और हंसपाल राय ने बनाया था, लेकिन अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस बन चुका है, जिसमें बाहर से, मतलब इस दीवार के उस साइड से आते हैं। ये देखिए, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दिलरस बानो बेगम और औरंगजेब का शादी 8 मई 1637 में हुआ था, जिसके ठीक 20 साल बाद 8 अक्टूबर 1657 को दिलरस बानो बेगम का देहांत हो गया, अपने पांचवे और आखिरी पुत्र को जन्म देने के एक महीने बाद, जिसके अगले साल से ही, मतलब 1658 से 1659 के बीच में ये बीवी के मकबरे का निर्माण शुरू किया गया। दिलरस बानो बेगम के मरने के बाद औरंगजेब काफ़ी उदास रहने लगे और कुछ ही साल बाद उनका भी देहांत हो गया, और उसके बाद यहीं कुछ यहां से बीवी के मकबरा से कुछ ही दूर, लगभग 14 किलोमीटर के आसपास कुलताबाद में औरंगजेब का भी मकबरा है। मेरे सामने जो देख रहे हैं ये मस्जिद है, और इसको 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा। पता नहीं इसमें क्या होता है अभी। ये जो देख रहे हैं मेरे सामने, ये है पीछे का दरवाजा, बीवी के मकबरे का पीछे का दरवाजा, और एक उधर उधर एक सामने में भी दरवाजा है। एक और यहाँ पे फाउंटेन है, अब इसका हालत पूरा खराब हो चुका है, जैसे देख रहे हैं कितना काला काला धब्बा सब इधर इधर पड़ा हुआ है। काला इसीलिए हुआ है क्योंकि प्लास्टर यूज किया गया, अंदर में पत्थर यूज किया गया, जिसके कारण सब वैसा ही है। मीनार देख रहे हैं, ये जो चारों मीनार बना हुआ है, चारों मीनार में बस सिर्फ गुंबद जो ऊपर में गोला स्ट्रक्चर है, सिर्फ उसी में संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया, बाकी सब में प्लास्टर, वाइट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बजट बहुत कम था और संगमरमर पत्थर का भी कमी हो गया था, जिसके कारण इसको। और ये मेन बिल्डिंग के साइड में भी चार मीनार है। सामने देख रहे हैं आप, एक गार्डन है, और सामने जो दिख रहा है वहाँ भी एक फाउंटेन है। ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, पैसा वसूल जगह है, काफ़ी कुछ हिस्ट्री पता चलता है यहाँ के बारे में। ये बालकनी टाइप बना हुआ है, और नीचे जो गेट सब है इसी से शायद ऊपर जाया जाता रहा होगा उस समय, लेकिन अभी तो बंद किया हुआ है, अभी कोई नहीं जा सकता है ऊपर में। जहाँ जहाँ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वहाँ वहाँ देख सकते हैं कोई काला धब्बा कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे सब काला पड़ गया है। तो मेन गेट से जब एंट्री कीजिएगा तो ये राइट लॉन का व्यू है, और ये लेफ्ट लॉन है इधर, और लॉन सब में आम का पेड़ ज़्यादा लगा हुआ है। तो ये जो नीचे देख रहे हैं ये भी एक एंट्री गेट है, लेकिन सब अभी बंद किया गया हुआ है। काफी ज्यादा हालत खराब है इस मकबरे का, काफी ज्यादा।
ये जो सामने में देख रहे हैं ये मेन बिल्डिंग एंट्रेंस गेट है, यहीं से सबको इंटर अंदर आता है, एग्जिट भी यही है। ये सब गेट बना हुआ है जिससे साइड लॉन में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं।